बस साहब क्या बोलती बंटा एक बब्ली क्या चालू क्या बोलते सब लोग। सो खुशी की मॉर्निंग, चलो चलते हैं आज थोड़ा दिन का एक ब्लॉग शूट करते हैं, जो भी आज पूरे दिन में आप लोगों को देखने मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून, लास्ट तक बने रहो। सो भाई चलो चलते दिखा। सो फाइनली गाइस निकल चुके रूम से, फैजाबाद के अंदर थोड़ा रामपुर एक पड़ता है, रसूलाबाद की साइड जा रहे हैं, थोड़ा काम करवाएंगे उसके बाद निकल। तो गाइस एक नंबर वाइब आ रही है, एक नंबर मचाएंगे तेरी यहाँ कुछ हरा भरा माहौल होता है। देखिए भाई गाइस इंडिया का जुगाड़, इंडिया वालों का जुगाड़ जो देख रहे हैं, ये मतलब पीपी पे टांगने वाला बैग नहीं, क्लॉथ कैरी करने के लिए। देखिए ये सब देख रहे हो, इंडिया के जुगाड़ वाले लौंडे सब नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोग, अगर ब्लॉग शूट करना तो दोपहर के टाइम शूट करो, थोड़ा मतलब अगर फ़ोन से शूट करना रहे, क्योंकि धूप तगड़ा आता है तो मतलब क्लियरिटी दिखती है यार। सो दैट्स वे। सो फाइनली गाइस वी आर हियर इन नियामा चौराहा। सो दैट्स वे। सो अभी चलते हैं यहाँ से रामपुर, आई थिंक अप्रॉक्स 12-13 किलोमीटर और आगे है। कितना होगा छोटू भाई, 12-13 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा ही ना? हाँ तो चलो चलते दिखाते हैं। एक दोस्त कॉल कर रहा था बंटाई के पास, तो बंटाई उससे बेटा कहाँ पे हो, तो ये कह रहा है कि बेटा समय पे कभी नहीं आता हूँ, समय पे आने वाले चले जाते हैं, जिसको कुछ आता नहीं हमको समझाते हैं, जिंदगी पिक्चर है फूल और कांटे है, तो सारा फोन उन कट करके जुगाड़ ही दे रहा था साहब। एक नंबर व्यू आ रहा है वहाँ कसम, यहाँ से कितना नेचुरल लग रहा है यार, शहर में तो सब आर्टिफिशियल लगता है यार। रुक जाए, जन्नत जन्नत का नजारा, हमारे अंकल जी पीछे ही लग चुके हैं भाई साहब, इनकी क्या करें, इनकी हरकतें जो है, इनका हरकतें देख के भाई साहब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन हंसी नहीं सकते आप लोग, ब्लॉग भी शूट करना है भाई। छोटे भाई थोड़ा गाड़ी और आगे बढ़ाना थोड़े, अंकल के अंकल को थोड़ा ब्लॉग लेते हैं और इनको दिखाते क्या होता क्या नहीं होता है। इंडिया वालों का जुगाड़ देख रहे हैं, पैर से ब्रेक के नाम पे पैर दबा रहे हैं, देखो कट चुके हैं अंकल जी, लग रहा है उनको पता चल गया। एक दिन अपने पास भी होगा ऐसा सिकंदर का घोड़ा, भूसली फैगस की तरह सिकंदर के। अच्छा गाइस कमेंट में जाके बताओ सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, अभी तो मैं बता दिया हूँ भूसली फैगस, लेकिन आप लोगों को देख पता है कि नहीं भाई। छोटे भाई ये कौन सा एरिया भाई साहब, कोरडी पैड़ी। सो भाई साहब जो है कोरडी, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा भाई साहब। अब यहाँ पे सीधे चलते हैं भाई साहब, रॉन्ग साइड आप जाइए 2022। देख रहे हो किस तरह गाड़ी फंड बनने लेके निकलते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा उधर ही छोटे भाई के एरिया में ग्रामोदय कॉलेज है, लेकिन भाई थोड़ा अभी कम दिख रहा होगा, वो रहा ग्रामोदय कॉलेज। सो वही हरियाली से भरपूर है भाई साहब ग्रामोदय कॉलेज। सो वही थोड़ा पोस्टर भी दिखा देंगे, ये रहा रास्ता ग्रामोदय कॉलेज जाने का, ये रहा ग्रामोदय कॉलेज ऑफ द ईयर। सो चलो आगे चलते हैं, दिखाते हैं जो भी है, जैसा भी आप लोग को इस ब्लॉग में देखने मिल जाएगा, आज जो भी करेंगे आप लोग को दिखाएंगे। सो भाई यही ब्रेकर था भाई साहब, यहाँ छोटू भाई का फ़ोन टूटा था अप्रॉक्स 2-3 साल पहले, यहाँ लेके बस्ती तक मैं ब्लॉग शूट किया हूँ, लेकिन यार कभी इतना ज़्यादा पेड़ पौधे इतनी हरियाली आज तक देखा ही नहीं यार। गाइस हम लोग दिखाते हैं, भुजिया खिलाते हैं आप सबको, यहाँ पे हम सभी लोग। चलो यहाँ का रामपुर का फेमस भुजिया है छोटू भाई बता रहे हैं, चलो वहाँ पे खाते हैं, ब्लॉग शूट करेंगे दिखाएंगे जो भी आप लोग को देखने मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस वी आर हियर, तो ये रहा। अबे भाई साहब थोड़ा कम कूदा यार, पागल हो जाएंगे। सब निकल चुके हैं यहाँ से रसूलाबाद के लिए सीधा डायरेक्ट, या रसूलाबाद से सीधा सुटका निकलेंगे जहाँ पे हम सभी लोग गाँव से, शंभुनाथ तिवारी विद्यालय कोई ग्रामोदय, हम सभी लोग करीब 11 किलोमीटर दूर आते थे गुजिया खाने के लिए, 4-5 लोग थे बचपन में। हाँ बचपन में बता रहा है तो, हाँ बचपन में, तो आज वहीं ले चलते गाइस आप सभी को, आइए चलते हैं यार। तुम्हारे एरिया का मतलब रोड भाई तब छोटू भाई, जितना भी है मतलब सब कुछ मेंटेन आई थिंक सो यार, बहुत मतलब अच्छा रोड देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जितना मतलब अपने जिले में नहीं है, वहाँ सब ठेकेदार भाई ठेका पाते हैं उड़वा देते हैं भाई साहब, एक साल में दो तीन खंड पा जाओगे रोड का यार। इलेक्शन टाइम में मतलब रोड का कंडीशन ठीक ठाक रहता है, यहाँ की रोड की कंडीशन देखो भाई, एक नंबर बना यार, ये 5 साल के पहले कुछ टूटने का नाम ही नहीं लगा भाई, मेंटेन रोड है यार यहाँ का, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ अपने जिले की, लेकिन यार रोड यहाँ पे मतलब फैजाबाद में पूरा मेंटेन आ जाए, वहाँ के बस्ती के कंपेरिजन में आई थिंक सो। ऐसी बात नहीं, मेरे बाबा कहा करते थे छोटू भाई ना, कि अगर गाँव में मतलब अहिर हो, अगर भैंस नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, तो अहिर होना तुम्हारा बेकार है। सो फाइनली गाइस वी आर हियर,
रसूलाबाद का फेमस गुजिया खा रहे हैं। ये रहा यहाँ का फेमस गुजिया। सो भाई सो भी खाते हैं, दिखाते हैं जो भी है भाई साहब। एक नंबर रसूलाबाद का फेमस पंटाई विड़ा हुआ है। गाँव का जा रहा भाई साहब, छोटू भाई के एरिया का थोड़ा गांव का नजारा है। यहाँ पे दूर दूर तक मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, वीरान टाइप का सब कुछ है। सो भाई चलो चलते हैं, देखते हैं जो भी है, जैसा भी आप लोग को इस ब्लॉग में देखने मिल जाएगा। चलो थोड़ा एक दो मतलब साइकिल वाले मतलब अंकल वंकल टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है। मतलब आगे मतलब एक नदी पड़ता है, चलो वहाँ पे थोड़ा विजिट करते हैं, थोड़ा फोटो शूट वूट करेंगे। छोटे भाई कह रहे हैं थोड़ा लोकेशन बढ़िया आता है, तो चलो फोटो शूट वूट करेंगे, थोड़ा दिखाएंगे पब्लिक को क्या होता है, क्या नहीं। तो एंजॉय पब्लिक, सो दैट्स व्हाई। ये रहा भाई साहब, एक नंबर वाइब आ रही है यार, मज़ा आ गया। लेकिन रात के टाइम चलने लायक नहीं है, कंडीशन यहाँ का मतलब बहुत सही नहीं है रात में चलने लायक। वैसे लोकेशन से पता चल रहा है कि मतलब रात में ट्रेवल करने के लिए लोकेशन सही नहीं है, मतलब ये एरिया यार थोड़ा जंगली जानवर रहते होंगे आई थिंक सो यहाँ पे। यार फर्स्ट टाइम आ रहा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की आदत सी हो गई होगी। अब तो आदत सी हो गई है मुझको, क्योंकि अब तो आदत सी है मुझको, क्या कर सकते हैं। ये रहा छोटे भाई तमसा नदी, क्योंकि तमसा नदी एक नंबर वाइब आ रही है भाई साहब। छोटे भाई कहते फोटो शूट के लिए बढ़िया लोकेशन, हाँ बढ़िया भी लग रहा है। सो भाई साहब हो रहे अपने गाइस काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद कुछ आ चुके हैं इस टाइप की लोकेशन पे। लोग इधर वॉक अराउंड लेकर दिखाते हैं भाई साहब। एक नंबर व्यू आ रहा है, वाह वाह एक नंबर भाई साहब। जहाँ दूर दूर तक नजर जा रही है मतलब मतलब नेचुरलिटी मतलब भरी हुई है भाई साहब, मज़ा आ गया। ये रहा कौन सा पुल है छोटू भाई? ये भाई तमसा नदी है, उसके जस्ट हम लोग उसके पुल के ऊपर जस्ट खड़े हुए हैं। ये रहे भाई छोटू भाई, यहाँ लोकल के ही है। लोग दैट व्यू यार एक नंबर भाई साहब, एक नंबर व्यू आ रहा है। अभी उधर ही से हम लोग आए हैं उस साइड से। सो वही सोचे यहाँ पर एक मतलब थोड़ा वॉक अराउंड लेके पब्लिक को दिखाते क्या होता है क्या नहीं होता है। नीचे काफ़ी अंकल अंकल हैं, दो तीन मछली वछली मार रहे हैं। अगर यहाँ से मेरा फ़ोन गया तो समझो गया दैट। यहाँ पे खड़े हुए हैं हम लोग। सो ये रही तमसा नदी। सो वही भाई साहब एक नंबर, यहाँ अलग ही वाइब आ रही है भाई, फील करो मतलब एक पूरा एकदम नो एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन यार। मतलब शहर वेड से थोड़ा दूर, मतलब कोई भी गाड़ी वाड़ी की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नॉर्मली दो चार हैं। अलग सी वाइब आ रही है यार यहाँ पे, मतलब हमने पता नहीं कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाई जो भी एक नंबर है भाई साहब। हो रहे दो तीन दोस्त वरियोम है उधर, कुलदीप भाई ये छोटू भाई। अभी तीन चार मतलब जाना है एक जगह, मतलब थोड़ा काम हम है, सो अभी निकलते हैं। चलो चलते हैं, दिखाते हैं जो भी है जैसा भी है। सो मैं सोचा थोड़ा इसका मतलब सिनेमैटिक्स लेते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सिनेमैटिक्स लिए हैं इसको भी डाल देंगे। सो भाई चलो चलते हैं, दिखाते हैं जो भी है। सो भाई सो गाइस अभी आ चुके हैं अपने मोहल्ले में। आप लोग को एक लोकेशन तो पता ही होगा जहाँ अपनी ब्लॉग की एंडिंग होती है। सो आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो बाय गाइस, सी यू टुमारो, बाय।